सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भागवतम का जो मूल है वो यही जानना है कि जब अंत समय आएगा तब तुम्हारे सामने कौन खड़ा हो, यमदूत, यमराज, देवदूत या साक्षात तुम्हारे ईष्ट कौन। भागवतम यही चर्चा का विषय है, यही बताना चाहती है कि आपकी तैयारी क्या है साहब, आपने तैयारी क्या कर रखी है। तुम अभी भी जब मृत्यु के निकट हो तब भी तुम दुनिया में ही डले पड़े हो, मेरा तेरा मोह माया में हो, या तुम उसे छोड़कर उसकी ओर बढ़ रहे हो। ध्यान रखना, शरीर बढ़ रहा है, आत्मा आपकी उसके साथ है या उसके विमुख है, दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। आप ये ना सोचिए कि मेरा शरीर विद्ध हो गया, अब मैं मंदिर में बैठा हूं बैठी हूं तो बहुत आनंद हो गया, अब सब बढ़िया हो जाएगा। क्षमा कीजिए, आप गलत फहमी में है, इससे आपके शरीर का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता बुढ़ापे में भगवान मिलते तो ध्रुव को तो 5 वर्ष की आयु में मिल गए थे, मीरा को तो युवानी में मिल गए थे, नामदेव को तो बचपन में ही दर्शन दे, मीरा को बचपन में दर्शन दे दिया था साक्षात सामने खड़े होके ना। ये मैटर वो नहीं है जो लोग गलती से समझ बैठे हैं, ये शरीर का धर्म नहीं है साहब, ये आत्मा का धर्म है। उसके लिए आपने क्या किया, क्या व्याकुलता आपके अंदर उसके लिए है। आपके शरीर से आंखों से निकल रहे हैं वो ठीक है, आत्मा रो रही है या नहीं उसके लिए वो मुकसद की बात है। भाव प्रधान सब जगत है, हो सकता है भाव में आप पिघल जाओ, आपके आंसू निकल जाए, एक अलग बात। आत्मा रोती है कि नहीं उस गोविंद के मिलन के लिए, वो महान है। अर्थात स्वयं को आत्मा समझ कर जियो अगर परमात्मा से मिलन करना है। ये हाड़ मास का सड़ा गला शरीर जिसके अंदर न जाने कितना मलमूत्र और मवाद भरा है, ये उस तक नहीं जाने वाला साहब, आपकी पवित्र आत्मा। सो आत्मा वैरागी हो कीजिए, शरीर के सानिध्य में है, बड़े असर में रहती है वो इसके, तो आत्मा को वैराग्य देने की परंपरा पे आगे बढ़िए। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं तब चतुर्थ दिवस में गोविंद का प्राकट्य आपके हृदय में होता है, तब राम जी का प्राकट्य आपके। ये बड़ी सुंदर व्यवस्था श्री वेद व्यास जी ने लिखने में कितनी सावधानी, हालांकि समाधि भाषा में लिखा है लेकिन कितनी सुंदर बात है कि पहले भक्ति में भक्ति को जगाइए, भक्ति का रोना बंद कीजिए, ज्ञान को प्रखर कीजिए, वैराग्य प्रबुद्ध कीजिए, जब तीनों जागरण करके नाचने लगे तब गोविंद प्रकट हो जाते हैं। खाली ज्ञान से काम नहीं होगा, खाली वैराग्य से काम नहीं होगा, कई बार खाली ज्ञान अहंकार पैदा कर देता है, खाली वैराग्य अहंकार करता है, मैं तो वैरागी हूं, हटो यहां से, भागो यहां से, तुम लोग यहां कैसे आ गए। भैया अगर किसी के आने से तुम्हारा वैराग्य छिन्न भिन्न होता है तो क्षमा कीजिए, फिर वो वैराग्य नहीं है, वो आपकी आत्मसंतुष्टि और एंटरटेनमेंट हो सकता है। एक विमान आकाश में उड़ रहा है, उसका फ्यूल कम हो रहा है, और अमेरिका में उसको उड़ने में जब पता पड़ा कि फ्यूल कम हो रहा है तो उसने मैसेज भेजा नीचे, हमें उतरना, हमें फ्यूल चाहिए। पहले मना कर दिया गया, पर चूंकि अंतरराष्ट्रीय वो है, देना पड़ेगा आपको, उतारना पड़ेगा। उतारा, फ्यूल भरने के पहले एक पर्ची आती है, यू विल स्टे ओनली बीइंग द टाइम ऑफ फ्यूलिंग, मतलब जो फ्यूल का टाइम है बस उतने ही देर आप रुक सकते हैं, जबकि अगर विमान लैंड करता है तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है, लोग उतर सकते हैं, कुछ हो सकता है, वो कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, उसमें एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने उस पर्ची को पढ़ा, ठीक है फाइन, फ्यूल भर गया। कैप्टन, वो जो अधिकारी था, वो फिर आया कि नाउ अभी आप जाइए, बोला ये पर्ची है, ये पर्ची आपके राष्ट्रपति को देना, क्योंकि उसने पूछा भाई ये तो नियम नहीं है, बोला हमारे राष्ट्रपति ने बोला है, ये राष्ट्रपति का आदेश है, आप सिर्फ फ्यूल भरवाइए और उड़ जाइए। तो उसने उस राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी दी है, कहता है अपने राष्ट्रपति को देना। देश था अमेरिका,
विमान में बैठे थे ओशो, रजनीश के नाम से भी जानते हैं, और उसने बड़ी सुंदर बात लिखी। देखिए, कोई भी विचार है ताकत है। उसने लिखा, अगर मेरे 5 मिनट और, उसमें उसने शब्द यह बोला था कि आप अगर रुक गए तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, समझना मेरी बात को। उसने कहा क्यों नहीं रुक सकते, तो पर्ची आई, वो टाइप होकर आया कुछ तो भी फैक्स वैक्स, साहब दिस इज द ऑर्डर, अगर आप 5 मिनट भी रुक गए तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। वो व्यक्ति लिखता है कि ओके अब मेरी पर्ची दीजिए, अपने राष्ट्रपति को देना, और उस पर्ची में लिखा था कि अगर मेरे 5 मिनट रुकने से तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ सकता है तो वो धर्म धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक ढोंग और दिखावा है, वो सिर्फ एक ढोंग और दिखावा है, दैट इज नॉट अ धर्म। अगर किसी के वजह से आपके वैराग्य में खलल पड़ जाए तो फिर वैराग्य कैसा, आपके ज्ञान में पड़ जाए तो ज्ञान कैसा, भक्ति में पड़ जाए तो भक्ति कैसी। क्षमा कीजिए, अभी और पकने की आवश्यकता है। जिस दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं, अरे गोविंद को नीचे आना पड़ता है, बोलो भैया क्या चाहते हो, वो तो भक्तों के लिए ही तो सब कर रहे हैं। तो मार्ग चुनिए अपना, या तो बिल्ली का बच्चा सबसे बेस्ट, वो अपने आप आपको किनारा लगा देगी, पड़े रहो गोविंद, बस उसके चरण पकड़ लो, रोते रहो, अपने आंसुओं से उनके चरणों को पकारते रहो, अपने आप लक्ष्मी जी आदेश करेंगे भैया मुझे सेवा करने, तो इसका कल्याण करो, तू भी बहुत दिन से लटका पड़ा है यहाँ पर, छोटे सा काम करना है, कहाँ फालतू में इतने सारे ग्रंथों को पढ़ना, वो ठीक है, वो जिसका काम है उसको करने दीजिए, भक्त बनी है, बस भक्त बनी है। और भक्त का मतलब क्या होता है, मेरा प्रेम मेरा सिर्फ गोविंद के प्रति है, और जगत पूरा गोविंद है, मुझे किससे ईर्ष्या नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, ये भक्त है, ये भक्त है। क्योंकि जिसने ईश्वर को जान लिया फिर उसके लिए कोई पराया नहीं है, कोई कोई अलग नहीं है, कोई बिलक नहीं है, सब उसके लिए बराबर है। तो ये जीवन का सार है साहब, सार को जीवन में जीना है हम सबको, और अपने आनंद को करना है।